जितने प्रकार की समस्या है, ये कहते हैं ना कि पाप कर्म से होता है, हमने पाप किया होगा इसलिए समस्या है, तो पाप किसको कहते हैं, इसको जानने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करना पड़ेगा। ऑल प्रॉब्लम्स व्हाट वी फेस बिकॉज ऑफ सिन एंड व्हाट इज दिस सिन, वी हैव टू डू रिसर्च ऑन इट। रिसर्च इज ऑलरेडी डन। समथिंग इज ए ट्रूथ, वी आर नॉट एबल टू नो इट, दैट इज कॉल्ड सिन। हमें सच के बारे में पता ना हो, वही सिन है। उदाहरण के लिए, हम मुस्लिम हैं या हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं, अगर हम मुस्लिम हैं तो ये कहने में संकोच होगा या लगेगा कि गलत है हम बता दें कि हिंदू हैं। अगर कोई मुस्लिम कहता कि हम हिंदू हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि अपने बचाव के लिए कर रहा है, कि कोई हिंदू उन पर आक्रमण न करें। कोई अगर हिंदू कहता कि हम मुस्लिम हैं, तो ये लोग सोचेंगे कि डर के मारे कह रहा है। तो अगर हमें कहते हैं कि हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं, तो ये झूठ बोलना है, ऐसे बीमारी आएगी। इससे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गठिया, मोतियाबिंद, कान की तकलीफ, सीने में फेफड़े की तकलीफ, हृदय की तकलीफ, आहार तंत्र की तकलीफ और अनेक प्रकार की तकलीफें, जैसे गरीबी, अंदर की गरीबी जिसको कहते हैं अंदर की गरीबी, वाइटलिटी इम्यूनिटी, वाइटलिटी इम्यूनिटी का कम होना अंदर की गरीबी है, ये सब है। तो अगर हमें कहते हैं कि हम हिंदू हैं और जब से पैदा हुए अंत तक हिंदू हैं, और ये व्यक्ति जब से पैदा हुआ अंत तक मुस्लिम है और तीसरा व्यक्ति क्रिश्चियन है और ये मान्यता प्राप्त है, तो पूरा समाज परेशान होता है। समाज में जितने लोग इसको मानते हैं वो सब परेशान होंगे। ये है बीमारी का कारण। इसके अलावा बीमारी का और कारण, हम छोटे हैं या बड़े, हम ज्ञानी हैं वो अज्ञानी। अगर हम ज्ञानी हैं वो अज्ञानी हैं, ये जानने पर जो ज्ञानी है उनके अंदर सेवा भाव बढ़ता है, अज्ञानी को बहुत प्रेम करके, और प्रेम करने का तरीका भी आना चाहिए, इमोशनल नहीं, भावावेश में नहीं। अज्ञानी को प्रेम करिए तो और अज्ञान करे। जब अज्ञानी को प्रेम करेंगे तो अज्ञानता उसकी घटेगी। अगर अज्ञानता बढ़ रही है तो हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, हम कोई भावनात्मक लगाव बढ़ा रहे हैं, इमोशनल अटैचमेंट बढ़ा रहे हैं। तो ये हमें पता न चले कि इमोशनल अटैचमेंट, ये शुद्ध प्रेम करना नहीं है, ये भी बीमारी का कारण है। तो बीमारी के कारण केवल एक नहीं है। आइए हम केवल दर्शनम, होली साइंस, इस पर चलते हैं। इसका रेफरेंस लेना आसान है। ये जो पुस्तक लिखी गई है सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए, संसार तापों से विदग्ध जनों की तुष्टि के लिए प्रकाशित की जा रही है, जगत के कल्याण के लिए प्रकाशित की जा रही है। और ये पुस्तक दिखाएगी क्या कि सभी धर्मों में एकता है? इसका मतलब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म तीनों एक है, तीन नहीं है। अगर तीनों को तीन मानते हैं तो याद रखिएगा हम कष्ट से मुक्त नहीं होंगे। अगर कोई अज्ञानी है उसको अज्ञानी कहते हैं तब भी कष्ट से मुक्त नहीं होंगे। तो अज्ञानी है तो कहें क्या हम? हम सब ईश्वर के संतान हैं। जो अज्ञानी है अभी उस संतान की और बचपन की अवस्था है, हमें करना क्या है?
हमें इसको ज्ञान देना है। ज्ञान देने का तरीका क्या है, उसकी टेक्निक होनी चाहिए, वो कैसे समझेंगे, क्रियायोग ध्यान से। क्रियायोग ध्यान करने पर ये पता चलेगा कि हम ज्ञान कैसे दें, और जो अज्ञानी हैं कैसे ज्ञान देने पर सिद्ध होता है, को ज्ञानी होते गए उनकी बीमारियां चिंता दूर होती गई। तो याद रखिएगा, बीमारी कारण जातिवाद, हम फॉरवर्ड हैं, हमारी बड़ी जाति है, ये बैकवर्ड हैं, ये शेड्यूल कास्ट हैं, बीमारी का कारण है। तो सोचिए, पूरा देश ही बीमार रहेगा, हर व्यक्ति डॉक्टर हो जाए तब भी बीमार रहेगा वो। सबके घर में सभी प्रकार की दुनिया की अच्छी अच्छी दवाएं आ जाएं तब भी बीमारी रहेगी, वो जाएगी नहीं, क्योंकि बीमारी कारण है पाप। अब पाप क्या है, झूठ, झूठ है क्या है, यही कि हम फॉरवर्ड हैं फिर हम बैकवर्ड हैं, हम अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जाति हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, ये सब बीमारी के कारण है। जो कहता है कि हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हैं वो भी बीमार होगा, क्योंकि अनजाने में वो भी झूठ बोल रहा है। कोई कहता हम बैकवर्ड हैं वो भी बीमार होगा, कोई कहता हम फॉरवर्ड हैं वो भी बीमार होगा। इस तरीके से याद रखिए, जो बहुत ज़रूरी इसको समझना, कोई गलती कर रहा है तो उससे हम घृणा ना करें। घृणा ना करने पर होता क्या है, हम भी वही गलती करते हैं, तो हम घृणा कैसे ना करें, उसका उपाय क्या है, हम जुड़े कैसे, इसका उपाय क्या है। क्रियायोग ध्यान, क्रियायोग ध्यान करते जाइए, आपको पता चलेगा कि अज्ञानी से कैसे जुड़िए। हम लोगों के मानना चाहिए, जितनी बीमारियां हैं, चाहे एलर्जी हो, जुकाम बुखार हो, या किसी प्रकार की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गठिया, पेट की बीमारी, चिंता, डर, डर भी एक बीमारी है, भविष्य का डर, भविष्य क्या होगा ये भी एक बीमारी है, वर्तमान में आनंद न मिले, सुखी जीवन ना हो ये भी एक बीमारी है, अतीत की बातों को याद करते हुए हम परेशान रहें ये भी एक बीमारी है। तो बीमारी कारण एक नहीं है, कते बीमारी कारण, आजकल मौसम बदल रहा है, ऐसा नहीं है। बीमारी कारण मौसम बदलना नहीं है, मौसम बदलने पर मौसम के प्रति हमारी भावना क्या है वो है बीमारी कारण। मौसम बदलने के प्रति हमारे विचार क्या हैं, हमारी धारणा क्या है, बीमारी कारण ये है। इसलिए हम सब जो क्रियायोग ध्यान करते हैं, हम सबका लक्ष्य होना चाहिए कैसे पूरे राष्ट्र को कष्ट से मुक्त करें। तो पहले हम स्वयं सच मार्ग पर रहें, सच मार्ग पर रहने के लिए हम एक विचार को स्वीकार करें कि हम ईश्वर के संतान हैं, अगर गलती हो रही है तो हम छोटे बच्चे हैं, अगर पोषक तत्व मिलता गया हम बड़े होते गए, एक दिन बड़े होंगे और गलती नहीं होगी। पोषक तत्व क्या है, जो मेडुला में शक्ति आती है, जो ब्रेन स्पाइनल कार्ड में जाती है और पूरे शरीर में फैलती है, ये पोषक तत्व है ये। उसके साथ साथ जो अंदर नाक से लेते हैं, जो मुंह से लेते हैं, ये भी पोषक तत्व है। आँखों से जो देखते हैं, दृश्य के प्रति हमारी भावना, विचार, धारणा अगर सच है तो वो भी पोषक तत्व है। कान से जो सुनते हैं, उस आवाज़ के प्रति हमारी भावना क्या है, हमारे विचार क्या है, हमारी धारणा क्या है, अगर सच है वो तो पोषक तत्व मिलेगा। अगर कान से सुनने पर आवाज़ से राग द्वेष है, आँखों से देखने पर अगर दृश्य के प्रति राग द्वेष है, गंध और स्वाद की अनुभूति में अगर राग और द्वेष प्रकट होता है तो पोषक तत्व की कमी होगी। अगर शारीरिक अनुभूति हम सुख दुख के रूप में स्वीकार करते हैं तो पोषक तत्व की कमी होगी। जब पोषक तत्व की कमी होगी तो वयस्क होने में बड़ा टाइम लगेगा। हम ईश्वर की छोटे संतान के रूप में हैं,
हमारे पोषक तत्वों की कमी न हो, याद रखिएगा। जब पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी तो हम जल्दी से वयस्क होंगे, और वयस्क होकर के हम ये सिद्ध कर सकेंगे कि सांस को आँच नहीं।